प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज एक बार फिर बारी है संडे स्पेशल एडिशन की, जिसमें मैं बात करने वाली हूं नई सरकार के रोड मैप की और नई सरकार के रोड ब्लॉक्स की भी, क्योंकि आज पूरा एक हफ्ता गुजर गया नई सरकार का गठन हुए और पिछले रविवार को यानी कि 9 जून को जब ठीक इसी वक्त मैं आपसे मुखातिब थी, आपसे बात कर रही थी, तो राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण कर रहे थे। तो पूरा एक हफ्ता आज बीत गया है। दिलचस्प यह है या नया यह है कि सरकार इस बार बहुमत में नहीं है। 240 सांसद हैं बीजेपी के, और अगर पिछली बार से तुलना करें 303 से 2019 से तो 63 सांसद कम है। और टीडीपी और जेडीयू, यहां पर ये दो पार्टियां ऐसी हो जाती हैं जिन्हें आप किंग मेकर कह सकते हैं। एक नीतीश कुमार की पार्टी है और दूसरी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। अब यहां से जो पूरा पिछला हफ्ता गुजरा उसमें बयानों की जो झड़ी लगी, उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन इसको कहिए, या फिर ये जो 240 पर टिक गई भारतीय जनता पार्टी, इसका साइड इफेक्ट कहिए, कुछ भी कहने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन चुनाव बड़े दिलचस्प हुए और चुनाव के बाद नतीजे के बाद बयान बड़े दिलचस्प आए। अमूमन संघ प्रमुख मोहन भागवत मात्र दो मौकों पर बोलते हैं, एक विजयदशमी के मौके पर जो संघ का स्थापना दिवस है, और दूसरा संघ के कार्यकर्ताओं की विकास कक्षाओं के बाद। लेकिन जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ 9 जून को, उसके ठीक अगले दिन 10 जून को मोहन भागवत का बयान आया, और क्या कहा उन्होंने, इसे गुस्से का बयान माना जा सकता है। मैं बयान आपको पढ़कर सुनाती। उन्होंने कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सच्चे अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। और यह मात्र एक बयान नहीं है, मोहन भागवत ने मणिपुर के मुद्दे पर बोला, युद्ध के तरीके से चुनाव लड़ा गया इस पर बोला, लेकिन यह धड़ाधड़ बयानों की एक पूरी श्रृंखला है। यह 10 जून का बयान है मोहन भागवत का। उसके पहले 7 जून को वेंकैया नायडू ने कहा था कि जनता ने नीचे से ऊपर तक सभी दलों को एक बड़ा संदेश दे दिया, जनता जो बदलाव करना चाहती थी बड़ी शांति से कर दिया। 8 जून को राम माधव, एक और आरएसएस के नेता, यह कहते हुए दिखे, एक आर्टिकल छपा बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस में, यह विनम्रता के लिए दिया गया जनादेश है, अ मैंडेट फॉर ह्यूमिलिटी। और फिर 14 जून आते आते इंद्रेश कुमार, एक और संघ के बड़े नेता, ये कहते हुए सुनाई दिए कि 2024 में राम राज्य का विधान देखिए, जिनमें राम की भक्ति थी, अहंकार आया, वो 240 सीटों पर समेट दिए गए। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से राम ने किसी को भी शक्ति नहीं दी, और यही उनकी अनास्था का दंड रहा। और एक और आर्टिकल ऑर्गेनाइजर का, जिसे आमतौर पर हम ये समझते हैं कि वो संघ का मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर में छपा कि महाराष्ट्र में तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं थी, राजनीति से इस तोड़फोड़ की बचा जा सकता था, और जबरदस्त आत्मविश्वास जो रहा उसने उसके केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। इन चुनावों में आईना दिखाने का काम किया जनता ने। अब ये सारे बयान, आलोचना समझा जाए इन बयानों को या ना समझा जाए ये मैं आप पर छोड़ती हूं, लेकिन हां, ये बड़ी तीखी आलोचना जरूर हुई, और न सिर्फ संघ की तरफ से बल्कि आगे अगर और बढ़ूं तो एनडीए कुनबे के कई नेताओं ने अपनी नाराजगी खुले मंच पर जाहिर की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले, अजीत पवार बोले, छगन भुजबल बोले, संजय निषाद उत्तर प्रदेश में बोले, ओम प्रकाश राजभर बोले, और सबने कहा, किसी ने कहा भितरघात हुआ, किसी ने कहा जयचंद की फौज हमारे खिलाफ लड़ रही थी, किसी ने कहा हम कैबिनेट से कम का मंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगे, किसी ने कहा कि उसके दो सांसद जीते मंत्री पद मिल गया कैबिनेट में, हमें नहीं मिला, हमारे 7 सांसद जीत कर आए। एकनाथ शिंदे का बयान। अब यहां से मैं एक रोड मैप
अगर देखने की कोशिश करूं तो बड़ी चुनौती है आगे आने वाला वक्त, क्योंकि 26 जून को स्पीकर का चुनाव होना है और यह पहली बैठक होगी 18वीं लोकसभा की। 24 जून को शुरू हो जाएगी और चलनी है 3 जुलाई तक, मात्र 9 दिन चलनी है। 26 जून को जो पहला काम होगा वो ये कि लोकसभा के स्पीकर पद का चुनाव प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 93 संविधान का ये कहता है कि सबसे पहला काम है संसद की बैठक शुरू होने के बाद कि जितने भी सांसद चुनकर आए वो 2 सांसद अपने भीतर से चुन ले, एक स्पीकर के लिए और एक डेप्यूटी स्पीकर के लिए। लेकिन जो आज की सबसे बड़ी खबर है कि लोकसभा के स्पीकर पद पर जबरदस्त रस्साकशी का आलम है। यह बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जो 2 बड़े घटक हैं, टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, और दूसरा बड़ा घटक जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी, इन दोनों की नजर है स्पीकर पद पर। क्यों है वो भी आपको बताऊंगी। और बीजेपी के लिए भी यह खतरे की घंटी है कि अगर स्पीकर का पद दे दिया तो लोकसभा संचालन के साथ साथ सांसदों की सदस्यता के बारे में भी तय करना स्पीकर का काम होता है, और एक वोट से सरकार भी गिर सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण हमारे सामने है। तो बीजेपी चाहेगी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखना, टीडीपी जेडीयू इसे अपने पक्ष में रखना चाहती है, अपने पास रखना चाहते हैं। ऐसे में आज कुछ बयान आए जिन बयानों ने एक बार फिर इस उलझन को और टेंशन को सरफेस पर ला दिया। संजय राउत, शिवसेना के नेता, उन्होंने यह कहा कि लोकसभा स्पीकर का पद एनडीए गठबंधन के किसी नेता को मिलना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने यह स्पीकर का पद मांगा है और अगर उन्हें यह पद नहीं मिलता है तो हम फिर सुनिश्चित करेंगे कि टीडीपी के उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन का समर्थन मिले। अगर टीडीपी अपना उम्मीदवार फिर खड़ा करती है ऐसी स्थिति में कि बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद उन्हें न दे। और बयान आया टीडीपी की तरफ से भी कि जब आम सहमति बनेगी सिर्फ तभी स्पीकर का चयन हो पाएगा, एनडीए के सहयोगी साथ में बैठेंगे, बैठक करेंगे, आम सहमति बनेगी और तभी सभी सहयोगी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। तो यानी कि रस्साकशी जारी है। अभी थोड़ी देर पहले एक मीटिंग चल रही थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहां, जिसमें ललन सिंह मौजूद थे, जिसमें चिराग पासवान भी थे, जिसमें मनोहर लाल खट्टर भी थे और बड़े कुछ और नेता भी इस मीटिंग में शुमार थे, क्योंकि 24 जून बिल्कुल नजदीक है। 26 जून तक स्पीकर के चुनने की प्रक्रिया को शुरू करना है। ओम बिड़ला जो कि अभी मौजूदा स्पीकर है वो पहली बैठक के शुरू होते ही इस्तीफा दे देंगे। प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाएगा, इसी प्रोटेम स्पीकर की उपस्थिति में चुनाव होंगे। तो क्या ये उलझन आगे आने वाले इस हफ्ते में और बढ़ेगी? और अलावा इसके एक बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि 10 साल बाद इस देश की संसद को मजबूत विपक्ष मिला है, ममता बनर्जी पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ, अखिलेश यादव तो कई गुना ज्यादा ताकत के साथ, कांग्रेस भी 52-99 के साथ संसद में जब पदार्पित होगी तो यूसीसी, अग्निवीर, ईवीएम, शेयर मार्केट, इन सारे मुद्दों पर बवाल और घमासान तय है क्या। लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का भी रूप हमें देखने को मिलेगा क्या? चुनौतियां सरकार के लिए भी भरपूर है और कमाल की है। चर्चा इसी पर करूंगी। मैं शुरुआत 2 बयानों के साथ कर रही हूं और आप जानते हैं कि आज का पैनल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का पैनल नहीं होगा। मेरे साथ इस देश के अग्रणी वरिष्ठ पत्रकारों की एक जमात होगी, समझेंगे कितनी चुनौतियां, कितना क्या रोडमैप और क्या रोड ब्लॉक रहेगा। हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है, ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी की। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है, और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो
उसका अधिकार पहले है, इसलिए इस पर की गई कवायद बेकार। तो ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, आपके सामने रखते हैं। एनडीए में स्पीकर पर टेंशन, इंडिया का एक्शन और मोदी की पहली परीक्षा, सहयोगी करेंगे रक्षा।